इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। खाने का त्याग संयम नहीं है, खाने का त्याग व्रत नहीं है, क्योंकि व्रत कब होगा? जब समिति पूर्वक किया जाएगा तो व्रत होगा, जब विवेक पूर्वक किया जाएगा तो व्रत होगा, क्योंकि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज टरे जे। कह दिया ज्ञान कब ज्ञान होता है? जब सम्यक दर्शन होता है तभी ज्ञान समीचीन ज्ञान होता है। और जब तक ज्ञान के लिए मत सोचना कि ज्ञान हमको तो ज्ञान है, शब्द ज्ञान को ज्ञान मत समझ लेना, क्योंकि ऊपर से तत्वों की बात करना बहुत आसान है लेकिन अंतरंग में आना बहुत कठिन है। और जिसमें अंतरंग में आ जाता है वो देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, कहते हैं सदृश्य ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विद्यु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। यदि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये व्रत हैं, मोक्ष के कारण हैं, आत्मोत्थान के कारण हैं, तो यदि ये प्रत्यनीकानि, इससे जो विपरीत है वो क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। आपको मोटर से पानी ऊपर ले जाना हो, टंकी पर चढ़ाना हो तो मोटर लगाने की जरूरत पड़ती है, प्रेशर से पानी को भेजने की जरूरत पड़ती है, लेकिन नीचे ले जाना हो, नाली में डालना हो पानी, तो आप डालो नाली में पानी अपने आप चला जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा को उत्थान की तरफ ले जाना है, परमात्मा बनाना है, तो हमें ज्ञान दर्शन और चारित्र होना जरूरी है। क्योंकि आज तक हमने क्या किया है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की तरफ प्रवृत्ति हमारी आसानी से रखी है। कभी देखना, एक बच्चे को भी क्रोध सिखाया नहीं जाता है, बच्चे को आप आंख निकालो वो तुरंत रोने लगता है। बच्चे को चोरी, बेईमानी, हिंसा, झूठ, चोरी आदि कहाँ कौन से स्कूल खोले जाते हैं कि इस स्कूल में ये सब सिखाया जाता है? लेकिन नहीं, अपने आप सीख जाते हैं। रोज विश्वविद्यालय बन रहे हैं, रोज हॉस्पिटलें बन रही हैं, रोज शिफ्ट वाइज क्लासेस चालू हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान वो है जो बंधन से मुक्ति करा दे। और हमें लगता है लौकिक ज्ञान बंधन से मुक्ति नहीं कराता, उल्के अहंकार का बंधन हमारे हाथों में डाल देता है। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले लेते हैं लेकिन जीवन की डिग्री, जो जीवन की शैली है, इससे अछूते रहे आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? बहुत जन्मों तक हम लोगों ने यही सब किया है, मिथ्या दर्शन आदि को प्राप्त किया है। इस बार ये चेतना को सिर्फ क्या है, नजर को बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। जिसकी समीचीन दृष्टि है वो किसी पर द्रव्य पर क्रोध करता ही नहीं, और जिसकी मिथ्या दृष्टि है, अब ध्यान रखना, अपना थर्मामीटर तुम्हारे पास है, तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आपको नासमान। और कह दिया और क्या, बहुत सारे कारण बताए हैं सात तत्व के, क्योंकि धर्म किसे कहा है? तो यहाँ कह दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, किसने कहा है? जो महान ज्ञानी हैं, तीर्थंकर हैं, धर्म के ईश्वर हैं, उन्होंने कहा है। वहीं पर मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र में कहा है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का क्या है? तीनों अलग अलग होकर भी मार्ग एक ही है।
क्योंकि श्रद्धान हो जाए, आपको श्रद्धान हो जाए उसके बाद आपकी बीमारी थोड़ी तो आराम हो जाता है कि मुझे उपचार मिल गया। लेकिन श्रद्धान ही नहीं हो, आपको कोई कहे कि वो अच्छी दवाई देता है हमारा रोग ठीक हो गया, क्या होता है आपको तुरंत लगता है मेरा भी ठीक हो जाएगा। ये ज्ञान, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहे इतनी दवाई, आपको ऐसे से रोग हुआ था, ये दवाई लेना, सुबह दो गोली, शाम को दो गोली, और तुम्हारे मन में आए दो बार कौन लेगा, एक ही बार में तो ले लो, फिर क्या होगा, ठीक होने की जगह गलत और हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें कहा कि खटाई नहीं खाना, कह लेंगे दवाई तो खा रहे, खटाई खा लेंगे तो क्या हुआ, और खटाई खा लो। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब हमें बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा क्या हुआ, कह लेंगे खांसी के मारे रात भर नींद नहीं आती, जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ वही कहता है दही छोड़ दो, खटाई छोड़ दो, मिर्ची छोड़ दो, पका तला हुआ खाना छोड़ दो, ये बड़ी मुसीबत है, हमसे नहीं होगा ये सब, आप बताओ, आपका बड़ा नाम सुना था, आप कर दोगे ठीक। उसने कहा मैं ठीक कर दूंगा और अच्छा ही, तीन चार और साथ में दे दूंगा। उनने कहा क्या क्या, तो कहने लगे एक देख तेरे यहाँ चोर नहीं आएगा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कहने लगे तेरे यहाँ चोर नहीं आएगा, तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, और तू खूब खूब खटाई उटाई खा, और तेरे घर में कुत्ता तक नहीं घुसेगा। उसने कहा ये तो अच्छी बात है, कुत्ता बार बार घुस जाता है, कुत्ता नहीं घुसेगा और मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, मेरे घर में चोरी नहीं होगी। तो वैद्य बोला देख जितना खाता है ना, मैं तो इतना अच्छा वैद्य हूँ, फीस जरूर ज़्यादा लेता हूँ लेकिन बीमारी के साथ अच्छाइयाँ और दे देता हूँ, लेकिन फीस लगेगी। उस सब जगह फीस 100 रुपये लगती थी, डॉक्टर ने कहा मेरी फीस 1000 रुपया है। उसने कही अच्छा डॉक्टर, कहने लगे तू दुगनी खाना, कम मत खाना, तू ज़्यादा ही खाना। उसने कहा ठीक है। अब वो तो 15 दिन में गया, कहने लगे डॉक्टर साहब तुम डॉक्टरों के हत्यारे हो। उनने कि क्या हुआ, कहने लगे मेरी बीमारी दुगनी से चौगनी हो गई, अरे इतनी बढ़ गई कि क्या बताऊँ। तो उसने कहा देखो मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने कहा था जो जो काम हो रहा है कि नहीं। बोले कुछ भी नहीं हो रहा। बोले क्यों, तुम अब लकड़ी लेके चलते हो तो कुत्ता नहीं आता होगा तुम्हारे पास, अब लकड़ी लेकर चलना पड़ रहा होगा, आसानी से तो चल नहीं पा रहा तो कुत्ता नहीं आ रहा होगा। उनने कहा ये बात तो है, और कि मैंने कहा था कि चोर नहीं आएगा, तो तुम जब रात भर खांसोगे तो चोर तो सोचेगा तुम जग रहे हो। मैंने कहा था कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम जवानी भी मर जाओगे, इतने बीमार हो जाओगे। तो ध्यान रखना, जो हमें मिथ्या दृष्टि जीव लगते हैं अच्छे कि हमारा उत्थान करेंगे, वो बहुत जल्दी हमें पतन की ओर गिरा देंगे। इसीलिए कहा है रैण सार में कि जो मति ज्ञान और सुत ज्ञान वाला होता है वो क्या होता है, बोलता है तो सोच समझ कर बोलता है, चलता है तो सोच समझ के चलता है, और वो चले तो ऐसा चलता है कि कर्म बंद नहीं होता है, और बोले तो बोलने में कर्म बंद नहीं होता, और खाए तो खाने में कर्म बंद नहीं होता। क्यों, क्योंकि बोलता विवेक से, खाता विवेक से, चलता विवेक से, हर क्रिया में जब यत्नाचार पूर्वक क्रिया होगी, प्रमाद रहित क्रिया होगी, तो आश्रम कहाँ से होगा। क्योंकि जीव तो मरते हैं, आप सांस लेते हैं तब भी जीव मरते हैं, हम सांस लेते हैं तब भी जीव मरते हैं, तो सांस को रोका तो नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ जीव तो ऐसे हैं जो प्रतिक्षण मरते ही मरते हैं, हम कुछ क्रिया करें या नहीं करें, सूक्ष्म जीव हैं वो तो मरते ही मरते हैं। लेकिन हम बादर को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, और हो सकता है हमारे प्रयास से बहुत जीव बच भी जाए। आप गर्म पानी है उगाड़ा रख दोगे तो क्या होगा, पंखा है जितना यूज करना है करो, लेकिन जितना बच सकते हो उतना तो बचो। जितना पानी यूज में लेना है, पहले आदमी पानी सिर पर लाता था इसलिए पानी की मर्यादा थी, पानी जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। पहले पानी ऊपर रखा होता था, परिंडों पर रखा होता था,
पानी आदमी बड़े आदर भाव से वो पानी का जो होता था उससे लेता था पात्र से, और हाँ लुटिया आदि जो भी बनी होती थी ऐसे नहीं कि लिया और नल खोला और ले लिया। आजकल तो पहले पानी ऊपर को आता था, कुएं से निकालो तब भी ऊपर आता था, और आप मग्गे से निकालो तब भी ऊपर को आता था। आजकल पानी कैसा आ रहा, नीचे को आ रहा है। पहले दीपक की बाती कहाँ जाती थी, ऊपर को जाती थी। आप दिया जलाकर देखना तो क्या होगा, बाती ऊपर को जलेगी, और बल्ब कैसा जलता है, नीचे को आता है। हमारा ज्ञान नीचे को जा रहा है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुज के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तो चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव कल की पुराण की थाती में, चिर शांति नहीं दे पाएंगे, अभिमान चलायत होता है। इस वीतराग विज्ञान बिना, विज्ञान आज का धोखा है, इस वीतराग विज्ञान बिना, विज्ञान आज का धोखा है। विज्ञान ने हमें बहुत सारी विशेषताएं दी, लेकिन आदमी का बुद्धि का विकास किया, हृदय को खत्म कर दिया। जबकि बुद्धि का विकास, अकेले बुद्धि का विकास विक्षिप्तता देगा, टेंशन देगा, क्योंकि 2.5 करोड़ तंतु हैं और इतनी बारीक तंतु हैं, वो कहाँ तक ध्यान रखेंगे। सारा बोझ उन पर डाल दोगे तो वो किसी भी क्षण में तुम्हें कोमा में ले जाएंगे, टूट जाएंगे इन पर विचारों पर। आज हमारी पढ़ाई है तो विचारों पर, झगड़ा है तो विचारों पर, रिश्तेदारी है तो विचारों पर। पहले देखते हैं ये रिश्तेदारी के लायक है या नहीं, हमारे लायक है या नहीं है। आप सच बताना, किसी का आजकल खानदान कोई नहीं देखता है। पहले देखते हैं कि हमारे लायक है या नहीं, कितने लगाएगा। अरे कितने लगाएगा, क्या करोगे, धन थोड़ा सा और आ जाएगा। धन वाली बहू आएगी तो बहू रानी आएगी, बहू नहीं आएगी, तुम पर हुक्म चलाएगी। लेकिन यदि संस्कारित बहू आएगी तो घर को सुंदर बना देगी। तो हमें संस्कार कैसे देना, बचपन से देना, कैसी श्रद्धा, देव सास गुरु के प्रति उसकी अभिरुचि बढ़ाना कि देव सास गुरु के अलावा कोई नहीं है। देव कैसे होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए। गुरु कैसे होना चाहिए, परिग्रह से रहित होना चाहिए। और शास्त्र कैसे होना चाहिए, इसमें अहिंसा का और उपदेश हो, जिसमें 5 महाव्रतों का उपदेश हो, और श्रावक के लिए 5 अणुव्रतों का उपदेश हो। ये अणुबम हमारी देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, ये अणुबम तो सिर्फ विनाश कर सकते हैं। एक समय था जब शाम के टाइम शिविरों में लोग चले जाते थे, उसके बाद दुश्मनी भूल जाते थे, एक दूसरे की मलम पट्टी भी करते थे। लेकिन आजकल हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान बन जाएगा, क्योंकि अब हमने संपूर्ण विनाश की तैयारी कर दी है। हमारा एक युग था संपूर्ण विकास, यानी ज्ञान का पूर्ण विकास होता था, जीवों को जग में पूर्ण विकास हो और हिंसा का जग में ह्रास हो, ऐसी भावना होती थी हमारी। लेकिन आज जितनी जितनी चीज़ें चल गई हैं, उतनी हिंसा की चीज़ें चल गई हैं। जितने आप भोज पदार्थ खाते हो, कभी नेट पर देखा करो, जिसे असली घी कहते हो, उसमें अधिकांश चर्बी मिली आती है, और वो भी चर्बी सबसे ज़्यादा तेलीय पदार्थ सुअर में निकलता है। सोचना, जो बच्चों को कुरकुरे खिलाते हो उनमें सुअर और बैल की चर्बी है, क्योंकि उसमें माने जो बनाते टाइम उसको डालते मिक्स करते हैं तो ज़्यादा खस्ते आते हैं। बच्चों को शौक में लेके
एक पैकेट पकड़ा दे तो बोले ये शौक से खा लेता है। अरे अभी से ये सब खिलाओगे तो बच्चों की बुद्धि कहाँ से शुद्ध होगी। इसलिए बच्चों को घर पर मेहनत करो, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। शुद्ध भोजन आपको लगता होगा पहले के लोग अज्ञानी थे, महिलाएं चक्की भी पीसती थी तो भजन और गीत गाती थी, उसमें भी उनका आनंद और प्रमोद था। यदि पापड़ बनते थे, कोई भी शादी में कार्यक्रम होता था तो सब गीतों के द्वारा होता था। यहाँ तक कि महिलाएं पानी लेकर आती थी कुएं से तो भी गीत गाते हुए लाती थी, क्यों कि बड़ी अच्छा लगता था। 25-25, 20-20 महिलाएं टोलियां बनाकर जाती थी सुबह सुबह, अपने अपने गगरों को इतना साफ कर लेती थी मांझ कर कि पूछो मत। आजकल तो सब कुछ सिस्टम ही बदल गया। तो ध्यान रखना, ये उल्लास और प्रेम जब दिलों में था तो श्रद्धा भी। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती उमा जैन जी, पुत्र श्री भरतेश जैन, श्रीमती मालिनी जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती निधि जैन, नानोता वाले, मंदाकिनी विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सरोज जैन जी सपरिवार, वड़तला यादगार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्री मुकेश जैन जी, श्रीमती पूनम जैन, मेहल जैन, प्रियल जैन, DSO कंपाउंड, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्री विवेक जैन जी, 604 मंटोबा, महागुण मॉडर्न, सेक्टर 78, नोएडा, स्वर्गीय श्रीमती मैना देवी पाटनी, तिनसुकिया, गुवाहाटी एवं कृष्णानगर, दिल्ली परिवार।